तो गाइस फाइनली सीएसके वर्सेस एलएसजी का 23 तारीख जो चेन्नई पे मैच है शाम को 7:30 बजे चेन्नई का होम ग्राउंड पे, इसका टिकट 10:30 पे लाइव हो गया आज। एंड यहाँ पे देखो मेरा क्यू टाइम था 16,000। क्यू टाइम में लगभग 1 घंटे रहने के बाद मेरा देखो यहाँ पे अल्टीमेटली टिकट ओपन हुआ, 1 मिनट से भी कम टाइम बचा हुआ है, अभी 300 के आसपास है मेरा, अब जस्ट ओपन होने वाला। जैसे ओपन होता है तुरंत आपको सिलेक्ट कर लेना, सीट सिलेक्ट करने के बाद टिकट बुक कर लेना है। अब देखो मेरा ओपन होगा 1700, 2500, 3500, 4000, 6000 वाला मैं सिलेक्ट कर लिया। जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट करने गया देखो पूरा सीट जो है यहाँ पे सोल्ड आउट हो गया भाई, एक भी सीट बचा नहीं है, तो मैं बैक कर लेता हूँ। ये देखो दूसरा मैं सिलेक्ट करता हूँ, ये जो है 4000 रुपये वाला आपको दिखाई दे रहा है पिंक वाला, तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। ये भी टिकट पूरा सोल्ड आउट है, मे भी हाँ जी हाँ पूरा टिकट जो है सोल्ड आउट है, एक भी सीट बचा है। दूसरा मैं सिलेक्ट करता हूँ 4000 रुपये का, ये भी टिकट एक सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल रहा है बट सिलेक्ट नहीं हो रहा है, मतलब सोल्ड आउट है, टेक्निकल ग्लिच है, तो इसलिए ऐसे शो कर रहा है। अब नेक्स्ट देखो अगेन मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ एंड मैं रिफ्रेश करके देख लेता हूँ एक बार, ये देखो अभी भी ओपन नहीं हुआ, मतलब ये मैक्सिमम टिकट जो है सोल्ड आउट हो गया। तो बाकी मैं सभी मैं एक एक करके सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मैं इसको सी अपर को सिलेक्ट करता हूँ, ये जो है ना पूरा सोल्ड आउट हो गया। अब देखो 1 घंटे बाद ओपन हुआ बट एक भी टिकट नहीं बचा है, जैसे ईडन गार्डन पे या दूसरा कोई स्टेडियम पे देखते हो ना सीट सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं मिलता है, आपको यहाँ पे सीट सिलेक्ट करना है एंड उसके बाद आप प्रोसेस कर सकते हो। तो यहाँ पे सीट ही बचा नहीं है कुछ भी, पूरा जो है सोल्ड आउट हो गया। अब यहाँ पे क्या करें भाई, 1 घंटा वेट करने के बाद टिकट जो है नहीं मिला, पूरा टिकट सोल्ड आउट हो गया। तो मैं बहुत टाइम वेट किया, 1 घंटा वेट किया, 1 घंटे से भी ज़्यादा, 1 घंटे 10-15 मिनट उसके बाद टिकट ओपन हुआ, बट फिर भी देखो यहाँ पे सोल्ड आउट हो गया। अब ऑफलाइन पे भी टिकट अवेलेबल नहीं होगा सीएसके के साथ एलएसजी का, तो भाई बहुत मुश्किल है सीएसके का टिकट मिलना इस बार 2024 में। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट जो टिकट आने वाला है सीएसके के साथ एसआरएच का, उसका टिकट मिलता है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे मैंने गलती किया, जैसे टिकट ओपन हुआ 10:30 पे तो मैं 30 सेकेंड लेट हो गया, तो इसलिए मेरा 16,000 क्यू टाइम आ गया। अगर 4-5 हज़ार क्यू टाइम होता तो टिकट ओपन हो जाता, अभी तो मेरा ओपन नहीं हो रहा है, सभी जो है सोल्ड आउट दिखा रहा है, तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे टिकट नहीं मिला। आप लोगों को टिकट मिला कि नहीं नीचे कमेंट करो। एंड इस सीएसके का टिकट मिलना बहुत ही मुश्किल है एंड और एक जो आरसीबी का टिकट मिलना भी बहुत मुश्किल है, दोनों जो है ई टिकट में एंट्री मिल रहा है, आपको ओनली ऑनलाइन पे टिकट बुक करना है, उसके बाद आपको एंट्री मिलेगा स्टेडियम के अंदर, कोई फिजिकल टिकट का जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी देखो सीएसके बाहर से एसआरएच का नेक्स्ट टिकट आने वाला है, मैं अपडेट कर दूंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरा टेलीग्राम इंस्टाग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। तो गाइस देखो यहाँ पे पूरा टिकट तो सोल्ड आउट हो गया, मेरे को एक भी टिकट नहीं मिला, एक ही मेरे को टिकट चाहिए था, एक भी टिकट नहीं मिला। तो देखते हैं ये रीओपन होता है कि नहीं, जैसे रीओपन अगर होगा तो मैं अपडेट कर दूंगा, ऐसे रीओपन नहीं होता सीएसके का टिकट, बट फिर भी देखना पड़ेगा। एंड इसके बाद एसआरएच का टिकट आने वाला है सीएसके के साथ एसआरएच, तो मैं अपडेट कर दूंगा।